क्या आपको आर्किटेक्चर के बारे में जानना पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आप समुद्र में जाने वाले पोतों जैसे जहाज़ों, नौकाओं आदि के बारे में जानना पढ़ना अच्छा लगता है? क्या आप नेवल आर्किटेक्चर करियर ऑप्शन पर जानकारी चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं जयेश सिंह आज के इस वीडियो में नेवल आर्किटेक्चर करियर ऑप्शन पर जानकारी दे रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसके पास में बने बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि करियर ऑप्शन ऐसा हो जो इंजीनियरिंग से जुड़ा हो और समुद्र की लहरों को भी छू सके, तो आपके लिए नेवल आर्किटेक्चर में करियर बनाना अच्छा साबित हो सकता है। इस फील्ड में करियर बनाने की खास बात यह है कि कुछ वर्षों में ज्यादा ही इसका विकास हुआ है, जिससे कि करियर ऑप्शन अच्छा होने के साथ साथ इसमें लाखों रुपए का सैलरी पैकेज भी मिलता है। हालांकि इसमें जाने के लिए स्टूडेंट को 11वीं और 12वीं से ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होता है, तब कहीं जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप नेवल आर्किटेक्चर में कदम रख सकते हैं। नौकरी इसकी संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। इसमें सार्वजनिक कंपनियों से लेकर प्राइवेट कंपनियों में ऐसे जॉब्स के मौके अपार होते हैं। अब बात करते हैं नेवल आर्किटेक्चर क्या है। बीते कुछ सालों में नेवल टेक्नोलॉजी में काफ़ी विकास हुआ है। मरीन नेविगेशन और जहाजरानी की तकनीकों की मदद से जहाज़ों और समुद्र में जाने वाले पोतों में काफ़ी तरक्की हुई है। इन सब की वजह से कई ऐसी फील्ड सामने आई है जो है नेवल टेक्नोलॉजी के अध्ययन से जुड़ी है। नेवल आर्किटेक्चर जहाजरानी उद्योग का अखंड हिस्सा है। ये समुद्र में जाने वाले पोतों जैसे जहाजों, नौकाओं, पावर बोट, स्टीमर, टर्म बोट, मछली पकड़ने वाली नौकाओं, युद्ध पोतों, क्रूज शिप, आइस ब्रेकर और पनडुब्बी तक की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा साइंस और इंजीनियरिंग है। इन सब के अलावा नौसेना आर्किटेक्चर का स्टडी, कॉमर्शियल और सैन्य सभी प्रकार के अपतटीय संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण से संबंधित है। इसके अलावा नेवल आर्किटेक्चर का संबंध समुद्र में वाणिज्य और सैन्य हर तरह की संरचनाओं के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के काम से होता है। अब बात करते हैं नेवल आर्किटेक्चर में क्या काम होता है, इससे संबंधित क्या जिम्मेदारियां होती हैं। इस फील्ड में जाने के लिए एक नेवल आर्किटेक्चर समुद्री गतिविधियों जैसे ड्रेजिंग, शिपमेंट और परिवहन, अपतटीय ड्रिलिंग आदि के हर पहलू में माहिर है। यह वह क्षेत्र है जो शिपिंग उद्योग के चलाने के लिए अनुसंधान और विकास, डिजाइनिंग, निर्माण और मरम्मत से ठीक ऊपर रखता है। आपको बता दें, नेवल आर्किटेक्चर न केवल डेवलपमेंट के हर पहलू के जिम्मेदार होते हैं, बल्कि समुद्री जहाज़ों इससे संबंधित रखरखाव और सुरक्षा के लिए भी इन पर जिम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नेवल आर्किटेक्चर में जाने के लिए कौन से कोर्स कर सकते हैं? नेवल आर्किटेक्चर में जाने के लिए कोर्स के तौर पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। नेवल आर्किटेक्चर में अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। सभी विषयों में मिलाकर कम से कम 50% अंक होना भी जरूरी है। नेवल आर्किटेक्चर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, नॉटिकल साइंस, शिप बिल्डिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बी और बी टेक का पास होना जरूरी है। इसके साथ ही विषयों में कम से कम 50% का नंबर भी होना जरूरी है। अब बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यानी कि एडमिशन कैसे होता है। कई कॉलेज में ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा का पास होना जरूरी है। नेवल आर्किटेक्चर से जुड़े कोर्स करने के लिए कैंडिडेट को एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। कुछ प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो कुछ प्रमुख एंट्रेंस एग्जाम इस तरह हैं: मरीन इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान प्रवेश परीक्षा IITG, SICIT, IMUCETI। यहाँ आपके लिए ये जानना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि नेवल आर्किटेक्चर कोर्स करने के लिए भारत में कितनी तक की, यानी कि संस्थानों में कितनी तक की फीस होती है। आपको बता दें, हर विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान की फीस एक दूसरे से अलग होती है। कुछ विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान की फीस के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जो इस प्रकार है: IIT खड़गपुर 8 लाख से ऊपर, अकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 4 लाख से ऊपर, दिल्ली मैरीटाइम अकेडमी 10 लाख से ऊपर, इंटरनेशनल मैरीटाइम अकेडमी में 10 लाख से ऊपर, आंध्रा यूनिवर्सिटी में 8 लाख से ऊपर। हालांकि यहां आपको यह बता दें, फीस कम ज़्यादा होती रहती है, यानी कि समय समय पर फीस भी बदलती रहती है। अब बात करते हैं
नेवल आर्किटेक्चर कोर्स करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से हैं? भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम परिसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी, स्कूल ऑफ ओशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडी IIT मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कई सारे संस्थान हैं जो नेवल आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोर्स कराते हैं, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेवल आर्किटेक्चर कोर्स कर चुके कैंडिडेट यानी कि प्रोफेशनल को कौन सी कंपनी में जॉब्स मिल सकती है। यहाँ आपको बता दें, इस क्षेत्र में सार्वजनिक कंपनियों से लेकर प्राइवेट कंपनियों में ऐसे प्रोफेशनल को हायर किए जाते हैं, जिनमें सार्वजनिक कंपनियों की कंपनियां हैं शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। निजी क्षेत्र के शिपयार्ड प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं: लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग, रिलायंस डिफेंस इंडस्ट्री लिमिटेड, लेबमा शिपयार्ड लिमिटेड। इसके अलावा समुद्री जान कंसल्टिंग और फर्म में भी ऐसे प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। इन फर्मों की बात करें तो इस प्रकार हैं: वेदम डिजाइन, एरीज मरीन कंसल्टेंट, मरीन टेक, न्यूवेसी कंसल्टेंट। इसके अलावा बहुत सारी कंसल्टिंग और ऐसी फर्म हैं जो ऐसे प्रोफेशनल को हायर करती हैं। अब बात करते हैं नेवल आर्किटेक्चर से जुड़े जॉब प्रोफाइल और इससे सैलरी के बारे में। नेवल आर्किटेक्चर एक बड़ा फील्ड है जिसमें सरकारी कंपनियों से लेकर प्राइवेट कंपनी अपने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए कोर्स कर चुके कैंडिडेट को हायर करती हैं। जॉब प्रोफाइल और सालाना पैकेज की बात करें तो इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला है मरीन इंजीनियरिंग को 12 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिलता है, शिप ऑपरेटर को लगभग 5 लाख तक का सालाना पैकेज मिलता है, पोर्ट मैनेजर को 2.5 लाख तक का सालाना पैकेज मिलता है, क्वालिटी सिस्टम इंजीनियरिंग को 5 लाख तक का सालाना पैकेज मिलता है, कोस्टल इंजीनियरिंग को 6 लाख से ऊपर तक का सालाना पैकेज मिल सकता है। इसके अलावा ओशनोग्राफर को 10 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज मिलता है, मशीन सर्वेयर को 5 लाख तक का सालाना पैकेज मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं नेवल आर्किटेक्चर करियर ऑप्शन पर यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और करियर ऑप्शन पर जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।